हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैं यहाँ डिस्कस करूंगी कार्निवोरस एनिमल। ये ईवीएस का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे भी एनिमल्स के नेम शेयर करूंगी जो आपको पता ही नहीं होते, या आप पहली बार सुन रहे होंगे, या फिर आपको पता है बट आप उसका सही प्रोनंशिएशन नहीं कर पा रहे होंगे। तो सही प्रोनंशिएट करना भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ आपको एनिमल्स ऐसे भी मिलेंगे जो आपने पहली बार देखे और सुने होंगे, तो आप उनकी स्पेलिंग्स को लर्न कर सकते हो और कुछ आपको नए भी पढ़ने में मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्निवोरस एनिमल होते कौन से हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जिनको यहाँ बात हम कर रहे हैं एनिमल्स की, तो हम यहाँ सिर्फ एनिमल्स के लिए ही बोलेंगे। अदरवाइज अगर बात आती है सिर्फ कार्निवोरस की मीनिंग की, तो कार्निवोरस का मतलब होता है कि जो मीट ईट करते हो, मतलब उनका जिनका फूड मीट हो, मीट खाते हो, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स भी आते हैं जो कार्निवोरस कहलाते हैं। तो कार्निवोरस वही होते हैं जो मीट, जिनका भोजन हो, जो मीट खाते हो, फ्लैश खाते हो, ठीक है। तो इसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। प्लांट्स को हम किसी अनदर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ एनिमल्स की बात की है। तो यस, यहाँ प्लांट्स भी होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, तो वो हम अदर वीडियो में जरूर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जो बच्चे बायो में होते हैं उनको पता होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एनिमल के लिए शेयर किया है, तो हम यहाँ पे एनिमल पढ़ेंगे। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए बात कर लेते हैं कार्निवोरस एनिमल्स में कौन कौन से यहाँ पे एनिमल्स आते हैं। तो नंबर वन है आपका लॉयन। लॉयन की स्पेलिंग होती है LION, दैट इज लॉयन, LION, दैट इज लॉयन। नेक्स्ट है टाइगर, TIGER, टाइगर। द थर्ड वन इज चीता, चीता की स्पेलिंग है CHEETAH, दैट इज चीता। नेक्स्ट है ल्यूपर्ड, ल्यूपर्ड की स्पेलिंग है LEOPARD, ल्यूपर्ड, ल्यूपर्ड। ओके, तो स्पेलिंग क्या होगी ल्यूपर्ड की, LEOPARD, ल्यूपर्ड। द नेक्स्ट इज राकून, राकून की स्पेलिंग है RACCOON, राकून। यस, यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके नेम्स आपको नहीं पता है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑल द कार्निवोरस एनिमल्स। या इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, बट इतने आपके लिए सफिशियंट है जो आपके ईवीएस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज राकून, RACCOON, RACCOON। द नेक्स्ट इज वुल्फ, वुल्फ की स्पेलिंग होती है WOLF, वुल्फ, और प्रोनंसिएशन होता है वुल्फ, प्रोनंसिएशन होता है बच्चों वुल्फ। ओके, वुल्फ। मेरे साथ साथ आप भी रिपीट करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे कैसे प्रोनंशिएट करना है। नेक्स्ट है आपका फॉक्स, नेक्स्ट क्या है आपका फॉक्स, FOX, फॉक्स। ओके, द नेक्स्ट इज पूमा, नेक्स्ट इज पूमा, पूमा की स्पेलिंग है PUMA, पूमा, PUMA, पूमा, ठीक है। द नेक्स्ट इज पोलर बेयर, पोलर बेयर की स्पेलिंग होती है POLARBEAR, जो कि ठंडे देशों में पाए जाते हैं, ठीक है। पोलर बेयर क्या है, जो ठंडे देशों में पाए जाते हैं, पोलर बेयर व्हाइट कलर के बियर्स होते हैं, ओके, व्हाइट कलर के बियर होते हैं। द नेक्स्ट इज हाइना, हाइना की स्पेलिंग होती है HYENA, हाइना, हाइना की स्पेलिंग क्या होती है, HYENA, हाइना, HYENA, हाइना। ओके, मेरे साथ साथ रिपीट करते चलेंगे। नेक्स्ट है वॉलरस, वॉलरस की स्पेलिंग होती है WALRUS, वॉलरस। स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, वॉलरस, WALRUS, वॉलरस। नेक्स्ट है आपका बेजर, बेजर, BEDGER, 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 बेजर। ओके, नेक्स्ट है अटर, नेक्स्ट क्या है अटर, अटर का, अटर की स्पेलिंग होती है OTTER, प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो आप बहुत ध्यान से स्पेलिंग को भी पढ़ेंगे और प्रोनंशिएट भी करते चलेंगे मेरे साथ साथ, अटर, OTTER, अटर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी एक कार्निवोरस एनिमल है, सो सी क्या होगी स्पेलिंग इसकी, CROCODILE, 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 क्रोकोडाइल। हम वर्ड को ब्रेक करके पढ़ते हैं, जब कोई वर्ड बड़ा होता है तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं, ब्रेक करके, क्रो, CRO, क्रो,
सीओ को डाइल, डी आई एल ई डाइल, ओके। सो क्या हो गया, पूरा एक साथ पढ़ेंगे, क्रोकोडाइल, ओके। नेक्स्ट है आपका शार्क, शार्क कौन सा है, शार्क। तो शार्क की स्पेलिंग क्या होती है, सी एस एच ए आर के, शार्क की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एस एच ए आर के। ये भी एक आपका कार्निवोरस एनिमल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्निवोरस एनिमल में, तो सील, एस ई ए एल सी। इनमें से आप कुछ ऐसे कार्निवोरस एनिमल जिनकी स्पेलिंग आपको इजी लगती है वो आप डेफिनेटली लर्न करिए, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसे भी शेयर किए हैं जिनके नाम आपने शायद पहली बार सुने होंगे या शायद आपने कभी पहले पढ़े ही नहीं होंगे। तो ये वो एनिमल्स हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं जिसके बारे में मैंने अभी डिटेल में आपको बताया है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।